वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में SPD रिवाइज योर सेल्फ का सेट नंबर 143 देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? सही उत्तर इसका शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी। जीन शब्द की खोज किसने की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा WL जोहानसन ने, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केचुआ को, ऑप्शन डी। जंगली फसलों का संबंध किससे है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी। अग्निशामक के रूप में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। मानव के एक स्तनपायी है जिसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 24, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, LPG सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव के रूप में कौन सा गैस भरा रहता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी। वायु का मुख्य घटक क्या है? वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, थर्म किसकी इकाई है? थर्म ऊष्मा की है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विकिरण द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जल से भरा तालाब किसके कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केल्विन किसका भौतिक रूप राशि है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ताप का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, कैलोरी होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कूलाम किस भौतिक राशि की इकाई है? तो यह विद्युत आवेश का है, ऑप्शन बी। हेनरी भौतिक इकाई है किसका? ये प्रकृतत्व का है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। जूल किसकी भौतिक इकाई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्य की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो यह है जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पॉइज, ऑप्शन ए। टेक्सला किसकी भौतिक इकाई है? राइट आंसर इसका होगा चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन बी। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा किलोवाट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा का संबंध किसके खनन से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन बी। सलीम अली किस लिए विख्यात थे? सही उत्तर इसका एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaCl2, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है तो ये होती है क्षारीय, ऑप्शन सी।
उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7, ऑप्शन बी हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, सही उत्तर इसका हो जाएगा हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है, ऑप्शन सी। भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मासिनराम मेघालय, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमा अवधि कितनी होती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 24 घंटा, ऑप्शन बी। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है, राइट आंसर इसका 70% है, 70% से कम है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, राइट आंसर इसका हो जाएगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए।